राइट्स के मामले में यश स्टारर केजीएफ 2 ने कैसे चटाई बाहुबली 2 को धूल? क्या केजीएफ चैप्टर 2 से संजय दत्त का लुक लीक हो गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में, जहां हर तरफ हम और आप सभी लोग लॉकडाउन में फंसे पड़े हैं और बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस महामारी से, इन सब चीज़ों से हमें कब छुटकारा मिलेगा और हमारी वापस वही ज़िंदगी कब से शुरू होगी जो इतनी हंसी खुशी से गुजर रही थी, हम दोस्तों के साथ मज़े कर रहे थे, जहां मन किया वहां घूम फिर रहे थे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ एक तरफ अगर मातम छाया है तो दूसरी ही तरफ हमारे स्टार्स, हमारे सुपरस्टार्स अपने दर्शकों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ नई ट्रिक निकालते रहते हैं। इसीलिए तो आजकल केजीएफ चैप्टर 2 जो फिल्म आने वाली है उसको लेकर मज़ेदार खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, जो खुद यश अपने अकाउंट से शेयर करते रहते हैं ताकि उनके फैंस थोड़ा सा मुस्कुरा सकें। अपनी लास्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि फिल्म के निर्माताओं ने सरकार से अनुमति लेकर इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क शुरू कर दिया है। मेकर्स चाहते हैं कि वो केजीएफ 2 को तय तारीख पर ही सिनेमा घरों में रिलीज करें ताकि जो फिल्में ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी हैं उसी की तरह फैंस इस फिल्म की वजह से भी निराश ना हो जाएं। इसीलिए वो लॉकडाउन में भी फिल्म पर काम कर रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के साथ साथ मेकर्स फिल्म के प्रेजेंटेशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसके साथ ही निर्माताओं ने फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बेच दिए हैं। यश स्टारर केजीएफ 2 के निर्माताओं ने फिल्म के सैटेलाइट राइट्स एक चैनल को करीबन 120 करोड़ रुपए में बेचे हैं। हालांकि इस बारे में मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो केजीएफ 2 में यश और संजय दत्त की भिड़ंत देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड है। प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही ये फिल्म इसी साल 23 अक्टूबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। 23 अक्टूबर से मुझे ऐसे याद आया, मेरे भाई का बर्थडे आता है तो काफी एक्साइटिंग रहेगा हमारे लिए। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन भी दिखाई देंगी, जो भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार अदा करती नजर आएंगी। इस फिल्म में यश के ऑपोजिट श्रीनिधि शेट्टी लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई देंगी। सैटेलाइट राइट्स बेचने के मामले में यश स्टारर ने साउथ स्टार प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 को भी पछाड़ दिया है। जी हाँ, प्रभास स्टारर बाहुबली 2 के सैटेलाइट राइट्स एक टीवी चैनल को लगभग 118 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर बीते दिनों ये भी खबरें आई थी कि शूटिंग पूरी ना होने की वजह से इसकी रिलीज टाल दी गई है, लेकिन बाद में मेकर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान इन सभी बातों को केवल अफवाह बताया। फैंस की उत्सुकता का आलम यह है कि इस समय इंटरनेट पर संजय दत्त की एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें वो बहुत ही खूंखार अवतार में दिखाई दिए हैं। इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये केजीएफ चैप्टर 2 से है। फोटो देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 में यश की संजय दत्त के साथ कड़ी टक्कर होने वाली है। दोनों को ऑन स्क्रीन एक दूसरे के साथ दो दो हाथ करते हुए देखने का मजा ही अलग होगा। फिल्म की लगभग 15 से 20 दिनों की शूटिंग अभी बाकी है और मेकर्स इस समय कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे सलमान खान की फिल्म राधे भी फंसी हुई है, जो ईद पर रिलीज होने थी लेकिन 10 दिनों की शूटिंग बाकी होने की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी फिल्म की शूटिंग तुरंत पूरी कर ली जाएगी और उम्मीद है कि केजीएफ चैप्टर 2 23 अक्टूबर को ही रिलीज हो। देखना काफी एक्साइटिंग रहेगा क्योंकि दिवाली के मौके पर काफी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी ने फिल्में पोस्टपोन करके दिवाली और क्रिसमस के लिए शेड्यूल कर दी हैं, तो ये क्लैश होगा एक तरह से महीने में दिवाली के, तो काफी एक्साइटिंग रहेगा देखना कौन बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाता है, कौन बाजी मार के जाता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।